हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। सभी के घर में रोटियां तो बची जाती हैं, तो आज बनाते हैं बची हुई रोटी की एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी से नाश्ता, जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके लिए हमने बची हुई रोटी ली है, 3 से 4 रोटियाँ हैं ये, और उबले हुए आलू हैं जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। 4 से 5 आलू ले लें जिनको बारीक कद्दूकस कर लें, और 1 कटोरी बेसन है। कुछ मसाले लगेंगे जो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, और 1 प्याज जो हमने छोटी छोटी टुकड़ों में कर ली है बिल्कुल बारीक। प्याज का अच्छा फ्लेवर आता है। अब कुछ मसाले डालेंगे इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी हींग जाएगी। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। लास्ट वन इसमें जाएगा धनिया पत्ती। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये आलू का मसाला हमने अच्छे से मिला लिया, इसको अब एक तरफ रख देंगे। और सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। ये हमने बेसन ले लिया 1 कटोरी, इसमें टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने आलू में भी डाला, चिली फ्लेक्स, अजवाइन जरूर डालें इसमें, अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बेसन में, थोड़ा सा जीरा, और कलर के लिए हल्दी पाउडर, इसमें धनिया पत्ती। अब इसका अच्छा घोल बना लेंगे हम मिलाकर सभी चीज़ों को, पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे। लम्स फ्री और हमें पतला घोल चाहिए थोड़ा। ये हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। अब हम चपाती लेंगे। अब 1 चपाती को हमने ये चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया है। इस पर हम लगाएंगे आलू का मसाला। इस पर हम आलू का मसाला बिल्कुल मोटा ना करें, पतला पतला फैला देंगे। आलू का मसाला हमने फैला लिया है। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए इतने बड़े बड़े साइज आपको रखना है। आप चाहे तो इसको कुकीज कटर हो गोल वाली तो गोल भी काट सकते हैं। हमने एक तरफ ऑयल को गर्म होने रख दिया है, हम इनको फ्राई कर देंगे। अब ये बेसन का घोल लिया है, इसमें इसको डिप करेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे टुकड़े कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये हमने 2 से 3 डालें, जितने आपकी कढ़ाई में जाए उतने आप डालें, और इनको पलट के आराम से अच्छी तरह सेक लें दोनों तरफ से। अच्छे से सेक गए हैं, देखिए अब इनको हम निकाल लेंगे। सभी को इस तरह तल लेते हैं। ये हमने सभी निकाल लिए हैं। देखिए कितना अच्छा नाश्ता बनके तैयार हुआ है बची हुई रोटी से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।